जानते हैं पिछले हफ्ते 10 दिन से जब मलिक परवेज साहब की वफात हुई थी, हमारी इस दुख की घड़ी में जिस तरह से आप मीडिया के भाइयों ने, जो यहाँ पे हमारे साथ हमारे दोस्त खड़े हैं, जिस साबिक कदमी के साथ इन्होंने हमारा साथ दिया है, उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इसके बाद जो हमारी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब, हमारे पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक दफ़ा फिर जो हमारे ख़ानदान के ऊपर हमारी हैसियत से बढ़ के जो इत्माद किया है और हमें मौका दिया है कि मलिक परवेज साहब ने जो सीट जनरल इलेक्शन में जीती थी, वो जो उसकी रिमेनिंग मुद्दत रहती थी, उसके ऊपर बेगम शाइस्ता परवेज साहब को मौका दिया जाए कि वो पार्टी की नुमाइंदगी कर सके, तो हम उसका शुक्रगुजार हैं और इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे कि ये पार्टी के लिए सीट जीत के मियां नवाज शरीफ साहब को पेश की जा सके, ताकि जो उनकी क़ियादत के अंदर ये जो सफ़र जारी है, इसको हम मंतकी अंजाम के ऊपर ले जा सकें। और यकीन माने, इसके अंदर जो हमारे पास जो आज के वसीम अकरम प्लस और ये जो तूफ़ानी या ये जो सुनामी सरकार आया हुआ है, जिसने महंगाई की लहर यहाँ पे मुल्क के अंदर गरीबों की ज़िंदगी अजीरन कर दी हुई है, उनकी वजह से जो तबाही हमारे सामने आ रही है, जो तकलीफ़ नज़र आ रही है, जो सर्दी अभी आई नहीं है, गरीबों के चूल्हे ठंडे होना शुरू हो गए, इन सारी चीज़ों को देख के इंशाल्लाह रिकॉर्ड वोटों के साथ NA 133 अपना फैसला शेर के हक में करेगा और 5 दिसंबर को हम इंशाल्लाह इस चीज को सेलिब्रेट भी करेंगे। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ दावा ये कर रही है कि ये सीट हम जो है वो जीतेंगे, आप क्या कहते हैं, यहाँ पे किसकी अक्सरियत होगी? देखिए, मेरे ख्याल से हर सियासी जमात के ये हक है कि वो मैदान के अंदर अपना कैंडिडेट उतारे और भरपूर कोशिश करे। जब तक वो जाब्ते का ख्याल रखते हुए मुकाबले में रहेगी, हमें उससे कोई इतराज़ नहीं है। पर मैं गुजारिश ये करूँगा, पिछले 3-4 जो जनरल इलेक्शन गुजरे हैं, उसके अंदर जो यहाँ पे वोटिंग हुई है, वो किस पार्टी के फेवर में गई है, किस पार्टी ने ये सीटें जीती हैं, एक नज़र उसके ऊपर भी डाल लें और उसके बाद उनको अपना मुकाबला करने दें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। शेर धाड़ेगा, शेर धाड़ेगा। जब शेर सीमा आपके मध्य मुकाबले थे, आपको या उनको कोई एज होगा NA 133 में आप उनके मध्य मुकाबले? देखें, यहाँ पे पार्टी की नुमाइंदगी अगर जमशेद चीमा साहब करने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आए हैं, उनका हक है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मर्जी है कि किस कैंडिडेट को मैदान में उतारना चाहते हैं, मैं उनके कैंडिडेटचर पे कोई बात नहीं करना चाहता। हम इंशाल्लाह अपनी पार्टी की स्ट्रेंथ के ऊपर, मियां नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत के ऊपर, शहबाज शरीफ साहब की खिदमत के ऊपर भरपूर मैदान में कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह 5 दिसंबर को हर डब्बे से, हर पोलिंग स्टेशन से सिर्फ और सिर्फ आपको शेर की आवाज नजर आएगी। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया।